हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड का शाही टुकड़ा बनाने जा रही हूँ, और वो भी मैंगो शाही टुकड़ा। और वो भी मैं चीनी में नहीं बनाऊँगी, मैं इसे गुड़ में बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम शाही टुकड़ा के लिए गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो ये मैं पानी डाल दी हूँ एक कटोरी, और उसमें हम ये गुड़ डाल देंगे, और वो डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करें। पहले हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। गुड़ की चाशनी बनाने के बाद हम शाही टुकड़ा के लिए जो हम दूध का बनाएंगे, आम का कस्ट, वो पहले हम उसके बाद वो बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी गुड़ डाली हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के। इसे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लगने लगेगा। तो हमारी गुड़ की चाशनी बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। अब हम इसे उतार लेंगे। मैं शाही टुकड़ा बना रही हूँ, जिसके लिए मैं ये हाफ लीटर दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ लीटर दूध को हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, और हाफ लीटर में दूध डाली थी, अब इसे थोड़ा सा हम और गाढ़ा करेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। इसमें हम इलायची पाउडर डाल दिए, और इसे डाल के हम अच्छे से मिला देंगे। तो आम को मैं कट करके पीस ली हूँ, ये दो आम मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। स्पून कंडेंस मिल्क डालूंगी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कंडेंस मिल्क डालना। लेकिन कंडेंस मिल्क डालने से इसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है। तो ये मैं 2 टेबल स्पून ये कंडेंस मिल्क डाली। मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे। ब्रेड को ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर दी हूँ। अब हम इसे आप फ्राई पैन में फ्राई करके भी बना सकते हैं, ऐसे सेक कर और छान कर भी बना सकते हैं। तो हम तो कभी काल मीठा खाते हैं हम लोग, तो इसे मैं तल कर ही बनाऊंगी। तलने से इसका टेस्ट बहुत ही शाही है, तो शाही अंदाज में ही बनना चाहिए। तो इसे मैं तल कर बनाऊंगी। तो हम एक एक ब्रेड करके इसे अच्छे से तल, ब्रेड को हम कुरकुरा तलेंगे। तेल हमारा गर्म है, अब इसे हम एकदम लाल करके तलेंगे। एकदम कुरकुरा लाल हुआ है, इसी तरह हमें सारे ब्रेड को लाल करना है। हमारी रबड़ी, आम की रबड़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और अब हम ब्रेड और ये सारे रबड़ी को सजा कर दिखाती हूँ। देखिए, मैं सारे ब्रेड को मैंने सेक लिया है। अब हम इसे एक एक करके गुड़ की चाशनी में डिप करेंगे। गुड़ की चाशनी जो मैं पहले ही बना के रखी थी, इसे एक एक करके हम डिप करेंगे, और फिर हम इसे ऐसे सजाते जाएंगे। हम सारे ब्रेड को ऐसे गुड़ की चाशनी में डुबोकर ऐसे रख देंगे। हम ये जो रबड़ी बनाए हैं इसके ऊपर, आम मैंगो की रबड़ी, इसके ऊपर हम इसे सारे डाल देंगे। रबड़ी डाल दी हूँ, और रबड़ी डाल के मैंने बादाम से इसे सजा दिया है। अभी ये मैंगो का रबड़ी है, तो मैंगो तो बनता है फ्रेंड्स। तो ये मैंगो मैं कट करके, मैंगो भी मैं थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ मैंगो से भी।